अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, आपको मेरा प्यार भरा सलाम। आज मौसम बहुत ही सुहाना था तो सोचा बच्चों को गार्डन सेंटर लेके जाऊं और वहाँ पे हम प्लांट्स देखें, फिश देखें, बहुत कुछ होता है उतें। तो ये है कि बहुत ही मज़ा आ रहा था और वेदर तो बहुत ही अच्छा था, खुशगवार था, तो बच्चों को लेके बस गाड़ी में बैठी और चल दिया। चले हम आपको लेके चलते हैं गार्डन सेंटर और आपको दिखाते हैं कि जी वो जगह कैसी है। आधे रास्ते ही थे गार्डन सेंटर के, ये क्यूट सी बच्ची हमारे रास्ते में थी एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर टू हेल्प अस, के रबिश थी रोड के ऊपर और किसी का एक्सीडेंट हो सकता था, तो उसने कहा था वेट आई हेल्प यू, और उन्होंने ये रबिश उठाकर तो साइड पे कर दी ताकि हम आसानी से जा सकें। और बहुत ही इंटेलिजेंस से उसने मुझे इशारा किया कि अब आप यू आर गुड टू गो। थैंक यू। मैं तो कहती हूँ जी हर बच्चे को, बल्कि हमारे बच्चों को भी हेल्प करने की आदत डलनी चाहिए। हेल्प करना बहुत अच्छा होता है। मुझे इस बच्चे की हरकत बहुत अच्छी लगी कि वो हमारी हेल्प कर रही थी, और ये आदत हर बच्चे में होनी चाहिए। आगे बढ़कर हर इंसान की हेल्प करनी चाहिए, ख्वाह उसमें आपका फ़ायदा हो या ना हो। सुनो जी, ये मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर ली और अब हम जा रहे हैं गार्डन सेंटर के अंदर। चले मिलते हैं आपसे अंदर। और इधर माशाल्लाह सीन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था कि मेरा बड़ा बेटा मेरे छोटे बेटे का हाथ पकड़ कर उसको शॉप के अंदर लेके जा रहा था। मैं कहती हूँ ये प्यार मोहब्बत के रिश्ते होते हैं और ये माँ की तबीयत का बहुत बड़ा सिला होता है कि बच्चे मोहब्बत सीखते हैं, बच्चे प्यार सीखते हैं। तो चलो जी गार्डन सेंटर के अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर कितने खूबसूरत प्लांट्स हैं। ये देखें, हमारा गार्डन भी ठीक होने वाला था तो हमने सोचा कि हम गार्डन सेंटर जाकर कुछ आइडियाज़ लेंगे कि हमने कौन कौन से प्लांट्स लगाने हैं और क्या क्या करना है, तो आपको भी साथ साथ ले चलते हैं। अच्छा।
कि देखें कितनी खूबसूरत, कितनी कलरफुल, प्यारी प्यारी मछलियाँ थीं। मैंने सोचा कि ये आपको भी दिखाई जाए ताकि आप भी इनको देखकर खुश हों, इनको देखकर आपको भी मज़ा आए। चले जी हमारे साथ और भी देखते चलें। यहाँ पर आपको हर तरह की मछली मिलेगी, छोटी से लेके बड़ी तक, बड़ी से लेके छोटी तक। और डिज्नीलैंड की भी जो नीमो फिश है और भी डिफरेंट डिफरेंट जो सी वाटर में रहती हैं, आपको वो भी मिलेंगी। मुझे बहुत शौक है वो रखने का पर्सनली, लेकिन हस्बैंड कहते हैं कि संभालना बहुत मुश्किल है उनको। ये देखिए जी, ये हैं कॉरल्स और ये पानी में बकायदा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये सांस लेते हैं, इनकी मूवमेंट होती है और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, रंग बिरंगे कलर के थे। और यहाँ पर मैंने स्टारफिश भी देखी, एक बेबी स्टारफिश भी थी लेकिन वो रॉक के नीचे चली गई थी तो मैं उसको कैप्चर नहीं कर सकी। तो दो तीन स्टारफिश थी जो मैं आपको अभी दिखाऊँगी। चलें जी अब वक्त होता है घर जाने का। ये है हमारी कज़न ने हमें ये बिस्किट्स खुद बना कर भेजे और हमारे घर अफ्तारी है तो हमें चिकन स्टिक्स और पिंक टी बनानी थी। मैंने 40 लोगों की पिंक टी बनानी थी और 40 लोगों के लिए ये चिकन बारबेक्यू स्टिक्स बनानी थी। काम बहुत ही मुश्किल था बच्चों के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई आया हुआ था तो उसने मेरे साथ बहुत सारी हेल्प करा दी। वो बच्चों को देख रहे थे तब तक मैंने ये 40 लोगों के लिए पिंक टी बनाई और मैंने 40 लोगों के लिए चिकन स्टिक्स बनाए। तो जी इफ्तारी का टाइम हो चुका था, हस्बैंड ने कहा था कि मेरे लिए पिंक टी डाल दो तो उन्होंने खुद ही डाल ली। और यहाँ पे माशाल्लाह 40 से ऊपर की ये चिकन स्टिक्स थी, इनको मैंने ओवन में डालना था तो मैंने ओवन में डालकर इसको अबाउट 1 आवर के लिए इसको रहने दिया बिल्कुल लो हीट पर। और यहाँ पे पिंक टी तैयार थी, इसको हमने कैन में डाला। और देखो बच्चों की अपनी मस्तियाँ चल रही हैं, माओ ख्वार हो रही हैं। फिर हम एंड पर वॉक करने के लिए यहाँ गार्डन में आ गए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया स्विंग्स पे और
बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया। मुझे यहाँ पर अगले दिन मैंने बताया दही बल्ले अफ्तारियाँ कर करके पेट बिल्कुल खराब हो चुके थे, तो मैंने कहा कि बिल्कुल नॉर्मल सा हम अफ्तारी करेंगे। योगर्ट में थोड़ा सा मिंट चटनी ऐड करके मिंट चटनी डाली और उसको हमने भले मैंने ऑलरेडी बनाए हुए थे बना के फ्रीज कर दिए थे। के बाद उसकी रेसिपी डालेंगे जरूर आपसे किसी दिन चिली सॉस, और तो इसमें मैंने योगर्ट डाला, चिली सॉस मैंने मैगी के ऊपर इस्तेमाल की है, हॉट मेरे पास मैगी सॉस हम डालेंगे थी हॉट एंड सावर सॉस, तो ये मैंने डाली डालेंगे हॉट एंड स्वीट इमली की चटनी, हॉट एंड स्वीट सॉस डाली और उसके बाद मैंने डाली इमली की चटनी, ये भी मेरे पास पिचल्स की पड़ी थी, डालेंगे मिंट वाली डाली मिंट चटनी मैंने अलहदा से ग्रीन सॉस थी उसके ऊपर मैंने अलहदा से बनाई थी, वो भी हम ऐड डालेंगे फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर। इसके हमारे दही भले बिल्कुल तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़े से पापड़ जो मैंने खुद घर पे बनाए थे, इसकी भी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत सारी मोहब्बत के साथ आपसे चाहती हूँ अलविदा।